हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, HSC पुलिस की जो भर्ती है उसकी परीक्षा 14 अगस्त से बचाई जा रही है। इसमें कितना सच है और दोस्तों एक अंदर की बात वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप सभी को पता है HSC के जब भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान, कृषि और पशुपालन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो बुक अवेलेबल है जिनके अंदर जो पुरानी भर्ती में पेपर हुए थे उनमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा 1200-1250 से ज़्यादा क्वेश्चन इनके अंदर अवेलेबल है। एग्जाम अटैक ऐप से ये बुक खरीद सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन मगर आप तैयारी करके, पुराने पेपरों की तैयारी करके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है 14 अगस्त को होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये जो नोटिस है या इमेज है या मैसेज है आपको भी बार बार मिल रहे होंगे, बार बार हर व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मैसेज फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एग्ज़ाम आपका इस डेट को नहीं होगा, ऑफिशियल नहीं है। जिसने भी ये कोशिश की है एडिट कर बनाने की मैसेज, उसने ये नहीं देखा कि HSC की साइट क्या है। इस साइट में ही गड़बड़ है मेरे भाई। और जो भी ये एडिट करते हैं अफवाह फैलाने के लिए, जो एडिट करते हैं, नहीं कहते कि आइडिया लगाना अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ों को एडिट करना वो गलत है। आइडिया लगाना, अनुभव शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं किसी में, लेकिन ये चीज़ें आप एडिट करके इस तरह कर रहे हो 14 अगस्त से शुरू होगा तो ये चीज़ें गलत है। दोस्तों जो भी एडिट करते हैं थोड़ा उन्हें समझना चाहिए। आप समझदार हैं, हरियाणा के नौजवान साथी हैं, थोड़ा आपको चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो जाती है। अब दोस्तों एक अंदर की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। HSC के जो पूर्व मेंबर रहे उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उनके दौरान जो भी क्वेश्चन आपने मेरे पास भेजे थे वे मैंने क्वेश्चन किए थे। अब उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने उस इंटरव्यू के दौरान देख लिया था। तो वहाँ पे उन्होंने EWS को लेकर एक बात कही थी कि EWS को छूट मिल गई है, ये EWS ठीक है, लेकिन उसको पब्लिकली शेयर नहीं किया गया अभी तक। वो शेयर क्यों नहीं किया गया वो ना तो वे जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ, ठीक है। और यही वजह है कि आपके पेपर थोड़ा बहुत 15-20 दिन आगे पीछे लेट सेट हो सकते हैं। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम 100% होंगे, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। अब नहीं तो महीने बाद में हो जाएंगे एग्ज़ाम आपके 100% होंगे, ये आप नोट आउट कर लीजिए, है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, तैयारी करवाना आपके हाथ में है। आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं ये आपके हाथ में है कि आप कल 4 घंटे पढ़ सको, लेकिन एग्ज़ाम 14 अगस्त को होगा, 6 अगस्त को होगा या नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, है ना। आपका काम, आपका जो निशाना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम जब भी होगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता एग्ज़ाम कराने का, मैं ये नहीं कर रहा, वो ठीक है मेरी थिंकिंग है, बस मैं मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो नज़रिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, कि एग्ज़ाम आपके थोड़े से लेट होंगे, एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, लेकिन 14 अगस्त की जो नोटिस या मैसेज आपको दिखाया जा रहा है ये फेक है, ये बिल्कुल फेक है मेरे भाई, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में अपडेट जो भी आएगी आपको साथ शेयर कर देंगे। आप HSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए, यदि आप ऑफिशियल अपडेट चाहते हैं तो, या आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऑफिशियल हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, या आपको वीडियो में बताया जाता है कि ये ऑफिशियल है या मेरा नज़रिया है, आपको शेयर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही एक उम्मीद थी कि आप समझ जाएंगे। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में मैं एक हरियाणा जीके की प्रतियोगिता कराना चाहता हूँ, प्लान कर रहा हूँ, आपका साथ रहा तो वो करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों क्या था जो मैराथन क्लास का प्रोजेक्ट हमने उठाया, जो मुहिम हमने छेड़ी है, उसकी आगे आने वाली और भी क्लास आने वाली है। और अभी एक चीज़ और आपके लिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों एक और खुशखबरी आपके लिए यहाँ पे आ चुकी है HSC की तरफ से, जो HSC की कंप्लीट रीजनिंग, HSC के लेवल की कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाई जाएगी अपने चैनल पर Knowledge TV देसी ताऊ पर इसी शनिवार 3 तारीख को शाम के 7 बजे दोस्तों।
और आपको ट्रिक्स के माध्यम से, शॉर्टकट ट्रिक में बताया जाएगा, आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। हरियाणवी लहजे के साथ लाइव चलेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। इस बार आपके नंबर पक्के करने हैं दोस्तों, केडी सर के द्वारा, कुलदीप सर के द्वारा, ठीक है। तो आप कमेंट करके अपनी राय, अपने सुझाव आप देते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। तो एग्ज़ाम आपके जल्द हो जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है पढ़ना, पढ़ने पे फोकस करें। धन्यवाद दोस्तों।